हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम एक क्रोशे कैप बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इस कैप के लिए सबसे पहले हमें एक फ्लैट सर्कल बनाना होगा। तो उसके लिए पहले एक मैजिक रिंग बनाएंगे। थ्री चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3। अब यहाँ पे हमें 13 डबल क्रोशे लेना है, 1 2 3। इस तरह से हम और 10 डबल क्रोशे ले लेते हैं। 13 डबल क्रोशे ले लिया है, काउंट कर लेते हैं। इसे भी हम डबल क्रोशे ही मानेंगे। सो 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। इसे ये जो चेन स्टिच है इसे डबल क्रोशे माना है। सो अभी 14 डबल क्रोशे हमारे पास, इसे खींच लेंगे। थर्ड स्टिच पे इसे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे। फिर थ्री चेन स्टिच लेंगे, उसके नेक्स्ट स्टिच पर 2 डबल क्रोशे लेना है, 1 2। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पर भी 2 डबल क्रोशे, 1। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पर 2 डबल क्रोशे, 1 2। इस तरह से हर एक स्टिच पे हमें 2 डबल क्रोशे लेना है। देखिए ये सेकेंड राउंड जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये फर्स्ट राउंड है, ये सेकेंड राउंड। अब यहाँ पे जहाँ पे ये चेन स्टिच है उस स्टिच पे हमें 1 डबल क्रोशे लेना है। फिर थर्ड स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर थ्री चेन स्टिच लेंगे। अब उसके नेक्स्ट स्टिच पे हमें 2 डबल क्रोशे लेना है। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे। सो देखिए एक स्टिच पे जो है 2 डबल क्रोशे लेना है, फिर उसके नेक्स्ट पे 1, फिर 2, फिर 1। इस तरह से ये थर्ड राउंड भी कंप्लीट करेंगे। थर्ड राउंड भी कंप्लीट है। अब इस थर्ड स्टिच पे स्लिप स्टिच करेंगे। फिर थ्री चेन स्टिच लेंगे। नेक्स्ट स्टिच पे यहाँ पे 2 डबल क्रोशे लेंगे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे। फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे भी 1 डबल क्रोशे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे भी 1 डबल क्रोशे। फिर यहाँ पे 1 डबल क्रोशे। यहाँ पे 2 डबल क्रोशे। देखिए एक स्टिच पे यहाँ पे 2 डबल क्रोशे है, फिर उसके बाद 1 डबल क्रोशे, उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1, फिर 2, फिर 1 1 फिर 2। इस तरह से ये जो फोर्थ राउंड है ये भी कंप्लीट करेंगे। ये फोर्थ राउंड भी कंप्लीट है। अब इस थर्ड स्टिच पे स्लिप स्टिच लेंगे। फिर थ्री चेन स्टिच लेंगे। उसके नेक्स्ट स्टिच पे 2 डबल क्रोशे लेंगे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे। फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे।
फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे। देखिए यहाँ पे 2 डबल क्रोशे है, फिर यहाँ पे 1 1 1, फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 1 1, फिर यहाँ पे 2। सो इस तरह से ये फिफ्थ राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो फिफ्थ राउंड है ये भी कंप्लीट है। अब इस थर्ड स्टिच पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये डायग्राम से मैं आपको बताऊंगी कि फ्लैट सर्कल जो है आप इसे कितना भी बड़ा कर सकते हैं। ये जो हमारा पहला राउंड है इसमें हमने चेन स्टिच को मिलाकर 14 डबल क्रोशे लिया था विथ चेन स्टिच। उसके बाद जो सेकेंड राउंड था उसमें हमने हर एक स्टिच पे 2 डबल क्रोशे लिया था इस तरह से। हर एक स्टिच पे हमने 2 डबल क्रोशे लिया था। अब उसके बाद थर्ड राउंड पे हमने एक स्टिच पे 2 डबल क्रोशे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 लिया था, फिर 2, फिर 1, फिर 2, फिर 1। इस तरह से हमने ये सेकेंड राउंड कंप्लीट किया। अब थर्ड राउंड में हमने 2 डबल क्रोशे लिया था एक स्टिच पर, उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टिच पर 1 डबल क्रोशे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पर 1, फिर 2 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, उसके बाद 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हमने थर्ड राउंड कंप्लीट किया था, सॉरी फोर्थ राउंड। अब फिफ्थ राउंड पे देखिए, 2 डबल क्रोशे लिया एक स्टिच पे, 2 डबल क्रोशे लिया था, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1, फिर उसके बाद 2 डबल क्रोशे, फिर 1 1 1 डबल क्रोशे, फिर 2 डबल क्रोशे। इस तरह से हमने ये जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ राउंड कंप्लीट किया। अब इस तरह से हम कितना भी इसे आप के ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इसे कितना भी बड़ा कर सकते हैं। जैसे कि सिक्स्थ राउंड में देखिए क्या होगा, एक स्टिच पे 2 डबल क्रोशे लेंगे, फिर उसके नेक्स्ट स्टिच पे 1, फिर 1 1 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे, फिर 1, फिर 1, यानी 4 डबल क्रोशे होगा। देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 1 1, अलग अलग स्टिच पे 1 1, 2 डबल क्रोशे, फिर यहाँ पे 1 1 1, 3 डबल क्रोशे एक एक स्टिच पे। फिर जो सिक्स्थ राउंड है उसमें 4 डबल क्रोशे, देखिए 1 2 3 4, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशे एक ही स्टिच पर, उसके बाद 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, फिर 1 डबल क्रोशे। देखिए इस तरह से, देखिए मैंने 10 राउंड तक बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसे इस थर्ड स्टिच पे स्लिप स्टिच लेंगे, फिर 8 चेन स्टिच लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर देखिए वहाँ यहाँ से काउंट करेंगे ये डबल क्रोशे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर इसे पलट देंगे पीछे की तरफ, फिर 5 हाफ डबल क्रोशे लेना है, 1 2 3 4 5, फिर इसे सामने की तरफ पलट देंगे। देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, 2
थ्री फोर, फिर फाइव चेन स्टिच लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर यहाँ से काउंट करेंगे, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर से पलट देंगे, फिर हाफ फाइव डबल क्रोशे लेंगे, फाइव हाफ डबल क्रोशे, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से सामने की तरफ पलटेंगे, तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर, फिर फाइव चेन स्टिच लेंगे, फिर यहीं से काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे, पीछे की तरफ पलट देंगे, फिर फाइव हाफ डबल क्रोशे लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर इसे सामने की तरफ लेके आएंगे, वन टू थ्री फोर, फिर यहाँ पे वन टू थ्री फोर, देखिए इस तरह से ये डिज़ाइन बना है। सेम इसी तरह से अब हमें ये राउंड भी पूरा करना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब फाइव चेन स्टिच लेंगे, वन टू टू थ्री फोर फाइव, यहाँ से काउंट करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, इस स्टिच पे सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर से पलट देंगे, अब फाइव हाफ डबल क्रोशे लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, अब इसे सामने की तरफ पलट देंगे, यहाँ पे देखिए वन वन डबल क्रोशे, फिर टू थ्री, और ये जो चेन स्टिच है इसे फोर, ये फोर डबल क्रोशे हो जाएगा, वन टू थ्री और ये फोर, फोर डबल क्रोशे मानेंगे इसे, और इस थर्ड स्टिच पे इसे ज्वाइन कर देंगे, क्यों वन टू थ्री फोर। अब एट चेन स्टिच लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे, फिर इसे पीछे की तरफ पलट देंगे, फिर फाइव हाफ डबल क्रोशे लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर इसे सामने की तरफ पलट देंगे, यहाँ पे वन डबल क्रोशे, टू
थ्री फोर और फाइव चेन स्टिच लेंगे, वन टू थ्री थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे सिंगल क्रोशे लेंगे, पीछे की तरफ पलट देंगे, फाइव हाफ डबल क्रोशे लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसे सामने की तरफ पलट देंगे, यहाँ पे हमें फोर डबल क्रोश लेना है, सो यहाँ पे वन टू थ्री फोर। इस तरह से अब इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब फाइव चेन स्टिच लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, और यहाँ पे सिंगल क्रोश लेंगे, फिर से पलट देंगे, अब फाइव हाफ डबल क्रोश लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसे सामने की तरफ पलटेंगे, यहाँ पे देखिए वन डबल क्रोशे, टू थ्री, थ्री डबल क्रोशे लिया है, और यहाँ पे वन टू थ्री, इस थर्ड स्टिच पे इसे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे, सो वन टू थ्री फोर। अब एट चेन स्टिच लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, और यहाँ पे सिंगल क्रोश लेंगे, फिर से पलट देंगे, फाइव हाफ डबल क्रोश लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसे सामने की तरफ पलटेंगे, अब यहाँ पे देखिए वन वन टू थ्री फोर, फोर डबल क्रोश स्टिच है, तो हमें यहाँ पे फोर डबल क्रोश नहीं लेना है, थ्री लेना है, सो वन डबल क्रोशे, टू डबल क्रोशे, थ्री डबल क्रोशे, फिर फाइव चेन स्टिच लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, यहाँ पे सिंगल क्रोश लेंगे, इसे पलट देंगे, फिर फाइव हाफ डबल क्रोश लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से सामने की तरफ पलटेंगे, और यहाँ पे थ्री डबल क्रोश लेंगे, वन टू यहाँ से वन टू
3। देखिए इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। देखिए ये राउंड भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। काउंट कर लेते हैं ये डिज़ाइन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35। यहाँ पे मैंने 5 चेन स्टिच लिया है। अब इसे यहाँ पे सिंगल क्रोशे से ज्वाइन कर देंगे, फिर पीछे की तरफ करके 5 हाफ डबल क्रोशे लेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव, फिर से सामने की तरफ पलट देंगे। यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 1, 2, 3, इस थर्ड स्टिच पे सिंगल क्रोशे से इसे ज्वाइन कर देंगे। सो 1, 2, 3। अब हमें बॉर्डर बनाना है तो इसके लिए 3 चेन स्टिच लेंगे, 1, 2, 3। यहाँ पे 1 डबल क्रोशे, 2, 3, 1, 2, 3। इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ देखिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब यहाँ पे 1 डबल क्रोश लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पे 1 डबल क्रोश और 1, 2, 3 इस थर्ड स्टिच पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे, फिर 3 चेन स्टिच लेंगे और यहाँ पे सामने की तरफ से 1 डबल क्रोश लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट स्टिच पर यहाँ पे पीछे की तरफ से 1 डबल क्रोश लेंगे, हाँ इस तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए यहाँ तक कंप्लीट है। अब थर्ड स्टिच पे स्लिप स्टिच लेंगे, फिर 3 चेन स्टिच लेंगे और यहाँ पे सेम ऐसे ही सामने की ओर से डबल क्रोश लेंगे, फिर पीछे की तरफ से डबल क्रोश लेंगे, देखिए इस तरह से हमें ये बॉर्डर जो है और चौड़ा करना है। ये बॉर्डर कंप्लीट है। इसमें मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 राउंड लिया है इस बॉर्डर पर। अब इस 1, 2, 3 थर्ड स्टिच पे इसे ज्वाइन करेंगे और यहीं पे इसे हम बंद कर देंगे। ये जो कैप है अभी कंप्लीट है।